युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। ये दो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर दे रही हैं। जब फूट फूट कर राम भद्राचार्य के मुंह से तो ये निकला कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन इस प्रसन्नता में खुशी के आंसू भी छलक गए। लाइव प्रसारण देख रही एक दादी किस रूप में भगवान राम को याद करते हुए भाव विभोर हो गई। तो आज का दिन राम भक्तों के लिए जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। ऐसे में कई बार खुशी के आंसू निकल ही जाते हैं। ये दो तस्वीर इस बात की वानगी है कि देश कितना खुश है, गौरवान्वित है। एक तरफ जगतगुरु राम भद्राचार्य जो राम प्रतिष्ठा के मौके पर भावुक हो गया, रोने लगे, तो दूसरी तस्वीर 80 साल की दादी की जो लाइव प्रसारण के दौरान राम राम का जाप करने लगी और आंखें नम हो गई। तो आज पूरा भारत राममय हो गया। राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना सपना आज साकार हो गया है। राम मंदिर के पर्व की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आई है और वहीं देश के हर कोने से जश्न की तस्वीरें भी पूरे भारत की देखने को मिल रही हैं। ये भारत भगवामय हो गया है। इस रिपोर्ट में मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये 500 साल के संघर्ष के बाद की नई किरण, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। इतने वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद की ये तस्वीर सुखद है। आज दुनिया ने एक नया हिंदुस्तान देखा है, एक ऐसा भारत जिसमें पूरा भारत भगवा रंग में रंगा हुआ है। भारत में नई ऊर्जा है, भारत में आज नई किरण है और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा और इस भारत में जाति बात का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जिसकी छाप विदेशों में भी दिखाई दे रही है,